जो कुछ भी है, जो कुछ भी अच्छा है, इसके ऊपर ध्यान देना है, या आप भविष्य में जो कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। उस पर कभी ध्यान नहीं देना है कि जो आप हासिल नहीं कर पाए, उस पर कभी ध्यान नहीं देना है कि आपने कभी लॉस किया था। दो ही चीज है इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास है यानी आपने क्या हासिल किया है, और क्या आप हासिल करने वाले हैं। अभी भविष्य तो बाकी है ना, अभी जिंदगी आपकी बहुत सारी बाकी है, बहुत कुछ आपको हासिल करना है, तो आप आगे क्या हासिल करने वाले हैं, क्या हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। और इस तरह से ध्यान दीजिए कि वो चीजें आपको मिलने ही वाली है, पक्का है, आपको किसी ने वादा कर दिया है, आपके भगवान ने, गॉड ने, जिसने भी आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो, आपको पूरी तरह से पक्का कमिटमेंट मिल चुका है कि आप जो भी तय किए हैं आपको मिलने वाला है। इस सोच के साथ आपको भविष्य दिमाग के अंदर खड़ा करना है, इतनी इतनी चीजें मुझे मिलने ही वाली है। और इसके लिए पूरा जो आपको प्रैक्टिस बताया जा रहा है, अपने आप को अल्फा स्टेट में ट्रांसफर करो। कॉन्शियसली आप इसको ज्यादा सोच नहीं सकते, कॉन्शियसली आपके माइंड में वो एहसास खड़ा नहीं होता है, तो आपको अपने आप को अल्फा स्टेट में ट्रांसफर करके उन चीजों पर ध्यान लगाना है जो आप चाहते हो। ये सब आप अल्फा स्टेट में अच्छी तरह से माइंड के अंदर आप खड़ा कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और आप महसूस भी कर सकते हो। और यही एक तरीका है आपकी सोच को बदलने का, आपके एहसास को बदलने का, और आपकी जिंदगी बदलने का। बस उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप प्रेजेंट में किस तरह के एहसास के साथ हैं, किस तरह की इमेजिन के साथ आपका दिन गुजार रहे हैं। अगर आपने आपका दिन इस तरह से गुजारा है कि बस जो भी आपको हासिल हुआ इसको लेकर आप खुश हैं, जो भी हासिल होने वाला है इस चीज़ को लेकर आप खुश हैं, एक्साइटेड है, तो आपका भविष्य इतना ही अच्छा होगा, इतना मज़ेदार होगा, इतना सक्सेसफुल होगा। तो आपकी प्रेजेंट तय करती है, आपकी प्रेजेंट आपका भविष्य तय करती है। वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, और क्या आप भरोसा कर रहे हैं, किस चीज पर आप भरोसा कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। अब ज्यादातर लोगों की जिंदगी में प्रेजेंट में कुछ नहीं है, पूछते आपके वर्तमान हालत के बारे में बताइए। अरे क्या बताए सर, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लोगों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी तो वस्ट हो चुकी है। अब जिसका वर्तमान ऐसा है, इसका वर्तमान ऐसा है, वर्तमान के बारे में इतनी खराब सोच है कि मेरी जिंदगी तो कुछ नहीं है, इसका भविष्य भी कुछ नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं हो जाए कि भविष्य में कुछ अच्छा हो गया, अच्छा अचीवमेंट कर लिया, वो कभी हासिल नहीं कर सकता, कभी ऐसा अच्छा भविष्य इसका हो ही नहीं सकता, इसका फ्यूचर कभी ब्राइट हो ही नहीं सकता, इसका प्रेजेंट अच्छा नहीं है, या प्रेजेंट के बारे में इसकी सोच अच्छी नहीं है, प्रेजेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसका भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो एक बात आपको समझनी है कि अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आप वर्तमान से खुश होने चाहिए, आपके वर्तमान से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए, तो ही आपका अच्छा भविष्य हो सकता है। तो अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए कि मेरा वर्तमान क्या है। वर्तमान में चाहे कुछ अच्छा नहीं भी है, लेकिन आपको सोचना तो यही है, बस मेरा वर्तमान में जो भी अच्छा है, वर्तमान में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए, या तो भविष्य में कुछ अच्छा हासिल कर लेंगे। इसके लिए जो भी करना है, जितना भी कोशिश करना है, एफर्ट लगाना है, जितनी जान लगानी है लगा देंगे, इन भविष्य में तो कुछ अच्छा हासिल करके भविष्य तो अच्छा बना ही लेंगे। ये सोच अगर आपकी प्रेजेंट में है, वर्तमान में अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो भविष्य अच्छा बन जाएगा। लेकिन आपके अंदर, आपके माइंड में भविष्य के बारे में कोई सोच ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपका भविष्य में कुछ अच्छा है भी, ऐसा आप ना तो सोच सकते हैं, ना तो आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं, ना तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, कभी भी आपका भविष्य अच्छा हो नहीं सकता। तो इसके लिए जरूरी क्या है, तो वर्तमान में इतनी खुशी सी, इतनी प्रसन्नता महसूस करो, बस मेरी जिंदगी यानी मेरी जिंदगी, अरे वाह मजा आ गया मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है, प्रेजेंट को लेकर आज का दिन यानी प्रेजेंट यानी अभी का समय मेरा बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है मुझे जिंदगी जीने का, खुश हूं मैं आज की जिंदगी से, वर्तमान से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपका फीलिंग होना ही चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं सर कुछ भी अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग है या झूठ है।
चाहे आपके साथ बहुत कुछ गलत भी है, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ तो अच्छा है, तो उस पर ध्यान देना है। वो ढूंढना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ढूंढना पड़ेगा कि मेरे साथ प्रेजेंट में अच्छा क्या है, आज के दिन में मेरे लिए पॉजिटिव चीज क्या है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, बाकी आपका नजरिया ऐसा है कि यार है ही नहीं कुछ, क्या उम्मीद करेंगे भविष्य से, ऐसी हरामी दुनिया, ऐसे हरामी लोग, ऐसे सब फैमिली मेंबर, सब चोर मिले हैं मेरे साथ, तो क्या है जिंदगी आपकी, कुछ भी नहीं रखा है। चलो मान लो कि वर्तमान में शायद कुछ अच्छा नहीं भी है, आपको अपने दम पर, अपनी ताकत पर आपको भविष्य बदलने की कोशिश करनी है। समय तो बदल सकता है, अगर आप वर्तमान में कॉन्फिडेंट है, वर्तमान में आप पॉजिटिव है, आपने अंदर वर्तमान में अपने अंदर ताकत हिम्मत इकट्ठा किया हुआ है, भरोसा पैदा किया हुआ है, तो आप समय को बदल सकते हैं, आप भविष्य को बदल सकते हैं। चलो वर्तमान तो छोड़ दो, वर्तमान अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, भविष्य तो मेरे हाथ में है। सोच रखो भविष्य तो मैं बदल के रख दूंगा, चाहे जितना झेला है, पास्ट में बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ परिस्थितियां खराब थी, सारी परिस्थितियां अगेंस्ट थी, विपरीत थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम आई पास्ट में, शायद आज भी चल रही है, प्रेजेंट भी इतना खराब है, नो प्रॉब्लम, भविष्य में तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अच्छा अचीवमेंट करेंगे, भविष्य पूरी तरह से खुशहाल होगा, पॉजिटिव होगा, मजेदार होगा, भविष्य में तो एकदम मजे मारेंगे। यानी कभी भी नेगेटिव होकर सरेंडर नहीं कर देने का है, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, बस हमारे सभी नाव डूब चुकी हैं, कभी नहीं होता ऐसा, हमेशा 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 आपके पास कुछ तो हाथ में रहता ही है, बाउंस बैक करने के लिए, फिर से खड़ा होने के लिए कुछ तो चीजें आपके पास होती है, कि आने वाले भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत वर्स्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, फिर भी सरेंडर नहीं करना है, हार नहीं माननी है, ये एक सोच दिमाग के अंदर रखनी है कि यहां से भी बाउंस बैक कर सकते हैं, यहीं से भी हम फिर से खड़ा हो सकते हैं, सिर्फ एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, बस फिर से खड़ा होने की बर्निंग डिजायर, यहां से वापस खड़ा एक बार तो होना ही होना है, इसके बाद फिर जो भी होगा देखा जाएगा, फिर मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन यहां से एक बार तो खड़ा होकर दिखाएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है, ये आपकी सोच हमेशा के लिए दिमाग में रहनी चाहिए। चाहे वक्त आपका बहुत अच्छा भी हो, ठीक ठाक हो, या बहुत बुरा वक्त हो, आपको कभी हारना नहीं है, आप कभी हारने वाले व्यक्ति कभी नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति हार स्वीकार नहीं करता, जो सरेंडर नहीं करता, उसकी जीत तो पक्की है, समय लगने वाला है, एक सोच बस आपको जिंदा रखेगी, मुझे हारना नहीं है, मुझे एक बार और कोशिश करनी है, एक बार और कोशिश करनी है, ये सोच अगर आपके अंदर है तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति या दुनिया की कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। तो आपको भी जिंदगी में एक ऐसा जीवन मंत्र रखना है हमेशा कि बस कभी हारना नहीं है, एक बार और कोशिश करके देखना है, हालात के मारे कभी बंद कर हम कभी नहीं रोना रोएंगे, ना कभी शिकायत करेंगे। शिकायत कभी आपके चेहरे पर, कभी आपकी जबान पर आएगी नहीं, भगवान तूने ये क्या कर दिया, क्या मेरी जिंदगी बना दी, क्या मेरी हालत खड़ी कर दी तूने, कोई शिकायत नहीं करना है। जो भी हालात है देखना है, झेलना है और उसको बदलना है।